जेल से रिहा होते ही नवजोत सिंह सिद्धू पूरे फॉर्म में आ गए हैं। जी हां, जेल से रिहा होने के बाद पहली बार आज नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। तीनों नेताओं की नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इससे पहले राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने नवजोत सिंह सिद्धू से फोन पर बात भी की थी। सिद्धू ने राहुल और प्रियंका के साथ दो फोटो को ट्विटर पर साझा किया और लिखा कि आज नई दिल्ली में अपने मेंटर राहुल गांधी और मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सिद्धू ने सरकार पर निशाना भी साधा और लिखा कि आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे धमका सकते हैं, मेरे सभी वित्तीय खातों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब और मेरे नेताओं के लिए मेरी प्रतिबद्धता न तो झुकेगी और न ही एक इंच पीछे हटेगी। बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू बेहद सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने इससे पहले दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से मुलाकात की थी और पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वह 8 अप्रैल को जालंधर में दिवंगत सांसद संतोष चौधरी के परिवार से भी मुलाकात करने वाले हैं। बता दें कि जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संतोष चौधरी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। इसके बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी को जालंधर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी का उम्मीदवार भी बनाया था। यानी नवजोत सिंह सिद्धू उर्फ गुरु आते ही हो गए हैं फिर से शुरू।